गाइज अगर आपको भी एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए अंडर 10 के तो आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बताता हूँ जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है एंड काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन एंड काफी अच्छे फीचर्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। देखो 10,000 के नीचे हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, सबसे पहले तो एक अच्छा कैमरा मिल जाए और साथ ही में अगर प्रोसेसर अच्छा मिल जाए तो मजे है। तो ये सभी फीचर्स आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। गाइज ये फोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो Z45 5G। बात करें डिजाइन की तो इसका डिजाइन काफी बढ़िया है, विगन लेदर का बैग दिया गया है एंड 180 ग्राम इसका वेट है, तो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है जो कि एक बढ़िया है एंड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और इसका डिस्प्ले बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले है जो कि भाई देखने में काफी बढ़िया लगता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्ले काफी बढ़िया है, आप बिल्कुल इसको चूज कर सकते हो। एंड इसके डिस्प्ले में आपको काफी अच्छे पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है जिसके कारण आप इस फोन को सनलाइट में भी यूज कर सकते हो। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है एंड 64-bit आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एड्रीनो 619 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है एंड LPDDR4X का रैम टाइप दिया गया है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4.5 लाख के अराउंड इसका अंतुतु स्कोर है जो कि एक बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट पर आप गेमिंग के लिए बिल्कुल इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। 5000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है जो कि 20W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो इसका बैटरी भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसको एक या दो दिन बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हो एक बार फुल चार्ज करके। कैमरे की अगर बात करें तो इसका रियर कैमरा डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का और सेकेंडरी कैमरा 2MP का मैक्रो लेंस है। और भाई इसके कैमरे में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं जैसे कि HDR का फीचर है, ISO का फीचर है और फेस डिटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके कैमरे से 8x डिजिटल जूमिंग कर सकते हो जो कि एक बढ़िया फीचर है, बट डिजिटल जूमिंग का ऑप्शन मिलता है तो जूमिंग आपको इतना भी क्लियर देखने को नहीं मिलेगा, ये एक डिसएडवांटेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। एंड आप इसके रियर कैमरा से फुल HD वीडियो 30fps पर बिल्कुल इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी भी तरह की लैगिंग या हैंगिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा सिंगल सेटअप के साथ आता है जो कि 16MP का लेंस दिया गया है एंड 2.4 अपर्चर के साथ वर्क करता है, तो इसका फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है एंड इसके फ्रंट कैमरा से आप काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में ऑप्शन मिलता है एंड आप बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हो, काफी अच्छा खासा ब्लर हो जाता है। और आप इसके फ्रंट कैमरा से फुल HD वीडियो 30fps पर बिल्कुल इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी भी तरह की हैंगिंग या लैगिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो ओवरऑल कैमरे के सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपको भी बेस्ट कैमरा फोन चाहिए अंडर 10,000 तो आप बिल्कुल इस स्मार्टफोन को चूज कर सकते हो। डुअल सिम स्लॉट दिया गया है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है एंड 5G सपोर्टेड है इन इंडिया। एंड कुछ सेंसर पे ध्यान दे तो इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड जायरोस्कोप है और बहुत सारे इसमें आपको फीचर देखने को मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 9,999 में मिल जाएगा, बट अगर आप ऑफर में बाय करते हो तो ये इसके कम में भी देखने को मिल सकता है। तो अंडर 10,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन और भी ऑप्शन है जैसे कि Redmi 13C है, Poco M6 Pro 5G है और Samsung का भी स्मार्टफोन है, बट ये स्मार्टफोन कुछ खास है क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी टॉप नॉच का देखने को मिलता है अंडर 10,000। तो अगर आपको भी अंडर 10,000 में एक बेस्ट 5G फोन चाहिए तो बिल्कुल आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस फोन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके बेस्ट ऑफर चेक कर सकते हो।